नमस्कार। सत्ता के गलियारों में बाहर और अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, उससे ये लगता है कि हरियाणा सरकार की सेहत के लिए सब कुछ अच्छा नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार रविवार को ऐसी गतिविधियां हुई है जिससे लगता है कि सरकार में कुछ ना कुछ तो जरूर पक रहा है। पहली घटना है कि जननायक जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने संपर्क साधा है अकाली दल के वरिष्ठ नेता, जिन्हें भीष्म पितामह कहा जाता है, प्रकाश सिंह बादल से, और उनसे राय ली गई है कि हरियाणा सरकार में जननायक जनता पार्टी की भूमिका आगे चलकर क्या हो सकती है। इसके बारे में क्या बातचीत हुई, अभी तक कोई ब्यौरा सामने नहीं आया है, लेकिन ये चर्चा शुरू होना ही बड़ी बात है। दूसरा जो इनपुट है वो इससे भी इम्पॉर्टेंट है। रविवार को ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए और वो मिलने पहुँच गए दिल्ली में केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है भारतीय राजनीति का, भाजपा की राजनीति का, उनसे मिलने के लिए गए हैं। हालांकि कहा यह गया है कि बड़ौदा उपचुनाव के बारे में और सरकार में नई नियुक्तियों के बारे में चर्चा करने के लिए गए हैं, लेकिन जो छन कर बातें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि इस सूरत पर भी विचार किया जाएगा कि अगर जननायक जनता पार्टी इस मौके पर समर्थन वापस लेती है तो क्या व्यवस्थाएँ की जानी चाहिए। ये दो जो बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, सरकार की सेहत के लिए अच्छी बातें नहीं है, और जो अगली व्यवस्थाएं करने की कोशिश की जा रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो जानकारियां सामने आ रही हैं, वो ये आ रही हैं कि जो निर्दलीय विधायक हैं उनसे भी संपर्क साधा गया है। एक मंत्री की ड्यूटी लगाई गई है विशेष तौर पर और वो मंत्री जी सबसे चर्चा कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा में दलगत स्थिति क्या है, यानी किस पार्टी के कितने विधायक हैं, ये इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि अगर स्थितियां बदलती हैं तो किस विधायक की क्या जिम्मेवारी होगी और सरकार किस तरह से अपने आप को स्थापित रखने में और आगे चलाने में सफलता पाएगी। सबसे ज़्यादा संख्या भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, 40 विधायक हैं उसके पास। दूसरी संख्या कांग्रेस की है, जो मुख्य प्रतिपक्ष है, जो विपक्षी दल है, उनके पास 30 विधायक हैं। जननायक जनता पार्टी के पास 10 विधायक हैं और 7 आज़ाद विधायक हैं। एक विधायक इंडियन नेशनल लोकदल का है और एक विधायक हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा हैं। एक सीट रिक्त है जो हमारी बड़ौदा का, जहाँ पर उपचुनाव होने वाला है, जहाँ पर श्री कृष्ण हुड्डा जी का निधन हो गया था, उसके बाद एक सीट खाली थी। तो ये 90 जो सीटें हैं हरियाणा की, ये स्थिति है। इसमें जो बहुमत के लिए सीटें चाहिए वो चाहिए 45, वैसे 46 की दरकार होती, लेकिन क्योंकि अब एक संख्या कम है, 90 नहीं है, 89 है, ऐसे में 45 जिसके पास होंगी उसकी सरकार बन सकती है। जोड़ तोड़ का अगर हिसाब लगाया जाए तो 5 सीटों की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगी, 40 और 5 विधायकों की उनको और जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक जो बड़ी खबर और भी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक भी रुष्ट हैं, जैसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला, वो बात हो रही है। 5 विधायक कम से कम कहा जा रहा है कि भाजपा के खुद रुष्ट हैं, उनको मनाने के भी प्रयास चल रहे हैं। इस तरह से सरकार को अगर आगे चलाना है भाजपा ने तो वो सारी व्यवस्थाएँ करने में जुट गई है। आज रविवार को ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आज़ाद विधायकों को, जैसे मैंने आपसे कहा, संपर्क किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जो नाराज विधायक हैं उनको भी मनाने की कोशिशें हो रही हैं। इस तरह से हरियाणा सरकार में जो गतिविधियां तेज हुई हैं और अंदर बाहर जो गतिविधियां चल रही हैं, वो इशारा ये करती हैं कि अगले 24-48 घंटों में कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है और जो आज पक रहा है उसका परिणाम आ सकता है। एक स्थिति और है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि हरियाणा में अगर ऐसी कोई स्थिति आती है, अगर जजपा समर्थन वापस लेती है, तो राष्ट्रपति राज लागू कर दिया जाए। ये सबसे बेहतर स्थिति हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद 6 महीने का समय मिल जाता है और 6 महीने में विधायकों को साधा जा सकता है और फिर से सरकार बनाई जा सकती है। इस तरह तमाम स्थितियों में सरकार बनाने की और सरकार को आगे चलाए रखने की, और सरकार को अगर कोई इस तरह का थ्रेट मिले, किसी की ओर से मिले, चाहे जजपा हो, चाहे आज़ाद हो, चाहे अपने ही विधायकों से मिले, उसके लिए तैयारी में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी की टीम। और बड़ौदा चुनाव से पहले पहले ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि कोई ऐसी चुनौती सरकार को ना मिले। और मंत्रिमंडल में शामिल करने के विकल्प तो हमेशा से खुले हैं, जैसे कि कहा गया कि आज गृह मंत्री
अमित शाह जी से इसलिए मिलने के लिए मुख्यमंत्री गए हैं क्योंकि वो नई नियुक्तियों के बारे में भी चर्चा करना चाहते थे, और ऐसे वक्त में लगता है भाजपा के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार करे और नए मंत्रियों को शपथ दिलाए। इस तरह से सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है और उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो विधानसभा का जो उपचुनाव है बड़ौदा का उसमें बहुत मजबूती के साथ जाया जाए। जजपा का अभी होल्ड पर है फैसला, वो क्या फैसला लेंगे अगले 24-48 घंटे में वो फैसला हो जाएगा और स्थितियां सारी क्लियर हो जाएंगी। जैसे भी होगा, जो भी होगा, हम आपको तुरंत बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि राजनीतिक जितनी भी घटनाएं हरियाणा में होती हैं या सामाजिक या कोई जैसे किसान आंदोलन चल रहा है इसकी ताज़ा घटनाओं की ताज़ा जानकारी आपको मिलती रहे, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए, फेसबुक पर और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।